कल जेएनयू कैंपस में जो छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज करने का काम जो बीजेपी सरकार ने किया है, क्यों? ये बीवीपी का और आरएसएस का कार्यकर्ता मुंह पे पट्टी बांधकर अंदर के घुस के जो लाठी चलाना, जो छात्र के ऊपर हमला करने का काम इन लोग ने किया है। जो बाहर निकल के समय में आप देख सकते हैं कम से कम 100 लोग पुलिस के सामने डंडा लेके निकल सकते हैं, उन लोग के लिए कोई पुलिस रुकवाई नहीं होता है, क्यों तो वो पूरा एवीपी का लोग है। प्री प्लान जो कल हमला हुआ है पूरा प्री प्लान है, शर्म आना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह, लड़ना है तो आगे से लड़ो, क्यों पीछे से लड़ रहा है? हम लोग तैयार है खून देने के लिए। मासूम वो छात्र के ऊपर हमला कर रहे हैं बार बार, क्या किया है वो बिगाड़ रखा है छात्र लोग ने? वो लोग जो आवाज उठाता है इस सरकार के खिलाफ, उसको आवाज दबाने का काम, उसको गला घोटने का काम इस सरकार ने कर रहा है, इसके लिए हम छोड़ेगा नहीं है। इस देश को बांटने के लिए आप लोग ने जो कर रहा है, जो भी ऐसा एक भी जो तरीका आपने छोड़ा नहीं है, जो छात्र के लगातार उन लोग के ऊपर गोली चलाना, लाठी चलाने का काम आप कर रहा है, शर्म आना चाहिए। पूरा दुनिया में थू-थू कर रहा है, शर्म आना चाहिए। 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ इन लोग ने जानबूझ के जो छात्र के ऊपर लाठी चला के राजनीति करना चाह रहा है। जल्दी से जल्दी, अभी तक एक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुआ, जो पुलिस भी इसके शामिल है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। आप कुछ भी करो गोडसे देश बनाने में, इसको देश गोडसे देश बनाने में हम लोग छोड़ेगा नहीं है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, रहेगा, आगे भी रहेगा। ये महात्मा गांधी जी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। आप कुछ भी करो गोडसे देश बनाने में, इसको देश गोडसे देश बनाने में हम लोग छोड़ेगा नहीं है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, रहेगा, आगे भी रहेगा।